गुड्डा की अम्मी है, इन्होंने काफी अच्छा खूबसूरत परफॉर्म किया था। देखिए ये बच्ची है माशाल्लाह, इसका तालियों से इस्तकबाल कीजिए माशाल्लाह जी। ये देश की होनहार बेटी है, हाँ इसका मुस्तकबिल भी होनहार है माशाल्लाह। हाँ गुड्डा के लिए, गुड्डा इसी तरह से फूलो फलो हमेशा मुस्कुराओ जी। मैम अभी है कुछ रह गया है? तो लास्ट में डॉक्टर फुरकान साहब हमारे थैंक यू स्पीच करेंगे और इसके बाद प्रोग्राम इफ्तिताह हो जाएगा प्रोग्राम का। अभी एक बार देख लीजिए, कोई बचा तो नहीं है? मैम से पूछ लीजिए, आप इफ्तिताह कर दीजिए। मैं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जितनी भी मर्द अपने नौजवान साथी, हमारे प्यारे भाई, हमारे नौजवान दोस्त, हमारी बहने, हमारे बच्चे सब ने मिलजुल के इस प्रोग्राम को जो कामयाब बनाया, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बच्चों की, जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनकी हौसलाई अफजाई करना हम सबका फर्ज बनता है। मेरे भाइयों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आजादी के इस मौके पर, 26 जनवरी के इस मौके पर जो है आपने माशाल्लाह कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम को आगे किया। शुक्रिया, सब लोगों का धन्यवाद। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसके लिए जी जी तो थैंक यू स्पीच चल रही है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। तो जो लोग दो अल्फाज बोलना चाहते हैं तो आकर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे फ्यूचर स्टार अकेडमी के हैं फराज स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो भाई, मैं भाई के पास ट्यूशन में गया था 11th क्लास में था उस टाइम पे, और मुझे ध्यान है उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ, जहाँ पे भाई पढ़ाते थे उन्होंने भाई से रूम खाली करवा लिया। तो भाई स्पेशली, और एक हम दो बच्चों को पढ़ाने के लिए रजौरी गार्डन से यहाँ आते थे लॉकडाउन में, और हम स्कूल के पीछे वाला पार्क है वहां बैठ के हमें पढ़ाते थे, और बहुत से लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं पागलपंथी, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़े। और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर फ्यूचर स्टार अकेडमी में आप लोग आओगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें, आप चाहे कितने ही वो हो, लेकिन आप यहाँ पे आके ही मजा अलग ही मिलेगा बाकी ट्यूशनों से, क्योंकि यहाँ जो है ना टीचर ही अलग तरीके से, क्योंकि हर टीचर अपने फील्ड में मास्टर है यहाँ, यानी कि कोई भी टीचर कुछ भी आगे पढ़ाना शुरू कर देगा, हर टीचर अपनी फील्ड में मास्टर है। इसीलिए आज हम इतने लोग जुड़ पाए हमसे, और आगे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे हम और आगे बढ़े। थैंक यू। हाँ एक बार और आपको जनाब, बिना फ्यूचर स्टार अकेडमी के कुछ भी मुमकिन नहीं था। तो अभी एडमिशन 2022-23 स्टार्टअप है यहाँ पे माशाल्लाह। तो आप यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन टीचर हैं, स्पेशलिस्ट टीचर हैं यहाँ पे, तो जितने भी हैं पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, ठीक है, और जितने भी तमाम और भी सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है। तो जितने भी लोग, मैं आप एडमिशन ले ना लें, लेकिन एक बार इंक्वायरी के लिए जरूर आइए, एक बार आप एक बार इंक्वायरी के लिए, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन मुस्तकबिल संवारने का आपको नहीं मिलेगा है। तो फ्यूचर स्टार एकेडमी में प्लीज जितने भी आसपास के इलाके के लोग हैं वो आए और इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करने के बाद आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको हासिल होगा जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेसिकली आई बिलोंग टू मेरठ डिस्ट्रिक्ट, बट लास्ट सिंस 12 ईयर्स आई एम लिविंग इन इंदर लॉक। इंदर लॉक में एजुकेशन का माहौल मुझे नजर नहीं आता था, बट आज का ये प्रोग्राम देखकर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन ने एक जन्म दिया है, कोई अच्छी तालीम अगर मिल रही है, मुझे बहुत बेटर लगा है फ्यूचर स्टार एकेडमी। अभी मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन कराया यहाँ पे हिफ्जा का, तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको आगे ले जाने के लिए इनका हौसला अफजाई करें। इंदर लॉक में बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन गया है। थैंक यू। क्या एक नौजवान बच्चा जो कुछ करने का जज्बा रखता है, ये भी अपनी ख्यालात के इजहार करेंगे। प्यारे भाई, मैं इस अकेडमी में नहीं पढ़ता, बट लोगों को सारे परफॉर्मेंस देखने के बाद
अभी ये पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूचर में स्टार लगाना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और गरीबों की मदद करूँ बड़ों की। बहुत खूब बहुत खूब, देखिए इनके हौसले कितने ऊंचे हैं, माशाल्लाह बहुत खूब, और इंशाल्लाह ये अपने हौसले को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। मैम दौलफा साहब, फ्यूचर एकेडमी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इंदौर में जो ये इस चीज के लिए खड़े हुए हैं, सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, और मेरी दिल से दुआ है कि ये रात दिन फूले फैले और कामयाब हो। हिंदू न मुसलमान न गुरदास न दुआ, जो तिरंगे को लहरा सके बन जाओ ऐसी हवा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जो गेस्ट वगैरह आए थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, इसके बाद जो यहाँ के गार्जियन थे गार्जियन ने भी आके अपनी बात को आपके सामने रखा, तो ऐसा आपको मंच नहीं मिलेगा कहीं पर। तो इंशाल्लाह जितने भी इलाके के लोग हैं मैं उनसे चाहूंगा कि आप यहाँ पर इस इदारे में एडमिशन लीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना मुस्तकबिल आप आगे संवारिए। अरे बच्चे आराम से बैठ जाए, और ही प्लेसमेंट के लिए करना है सर। तो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है जो आखिरी वाला है, तो अभी सब लोग अपने अपनी जगह बैठ जाइए प्लीज। वो आ रहा है कुछ आप लोगों के लिए, तो उसको लेके आप जाएंगे जी। आपका जो तोहफा है जी, आप सब लोग अपना अपना स्टार अकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है मनोज भैया। आज बहुत खुशी का दिन होता है जहां आप टीवी पे देख रहे हैं कि कैसे हमारी सेनाएं कर्तव्य पथ पर अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रही हैं। जय हिंद के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में या पृथ्वी में जय हिंद का नारा गूंज रहा है। तो आज गणतंत्र दिवस की शुरुआत हम जय हिंद के नारे से करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आज भारत को 1950 में अपना पहला राष्ट्रपति मिला, उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। हमें गणतंत्र मिला अपना, हमें अपना संविधान मिला, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ऐसी चीजों को हमें बराबरी का दर्जा देती है, हर धर्म को बराबरी का दर्जा देती है, हर कास्ट को, हर क्रीड को, हर जाति को हम बराबर मानते हैं। और जैसे हमारे मनोज कुमार बिंदल जी हमारे बीच में हमारे निगम पार्षद, उन्होंने इसी जैसे चुनाव जीता उस परंपरा की शुरुआत की। सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को साथ बिठाकर उनके साथ खाना खाया, राइट टू इक्वलिटी का जो नारा हमारे देश में संविधान में है उसको सच करने की तरफ चले। उसके बाद मैं समझता हूं डॉक्टर साहब ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे रात को एक फोन किया कि मनोज कुमार जी हमारे ये छोटे छोटे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आओ। मैं जानता हूं मैं आपको वालिदैन के हकूक के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी आप इसके इंशाल्लाह अमल करेंगे। इंशाल्लाह बोलिए सर। और हमने इंसानों को अपने वालिदैन के साथ बुलाए तो उनका क्या उसकी माँ ने जमाना हमल में तकलीफ था मुशक्कत और विरादत के वक्त में जना कहीं दुनिया की तकलीफ के साथ जना हूँ। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रबी जर ने कहीं जगह अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन का हक जिक्र फरमाया, और जहाँ मालिक की अर्ज फरमाई है जहाँ वालिदैन का साथ किस्मत के साथ सलूक है, और अब आजादी की भी ताकि फरमाई है। कई फरमाया हमने इंसानों को वालिदैन के साथ उनकी सलूक की ताकिद की, और कई फरमाया हमने इंसानों को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकिद की, और वालिदैन का हक अलाद के साथ अल्लाह के बाबी से मरता है इंशाल्लाह कि इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, क्योंकि हम वालिदैन अपने औलाद के वजूद का जवाब जाहिर है।
के लिए अल्लाह ताला ने जगह जगह माँ बाप की कृपा की अहमियत तहकीक फरमाई है कि ये अभी तो जाहिर है, इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह माँ बाप की हुकूम की अहमियत की ताकीद फरमाया है। हमने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहे, इनकी तहजीब व मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपनी सादत समझे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नौजवान सहाबी ज्यादा इबादत गुजार थे, नमाज रोजे तक्का करात भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, लेकिन घर में उनकी बीवी और माँ के बीच दरमियान रहती थी। बीवी और बीवी के ऊपर बीवी की बातों में तजवीज रहते थे, जिसके नतीजे माँ उनसे बहुत ज्यादा खतरा रहती थी। इत्तेफाक से नौजवान का मौत का वक्त आया, उनसे कलमा नहीं पढ़ जाता था। उनकी बीवी ने पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कहा, मेरे शहर की नजर के हालत में हूँ, चाहिए अगर की आपको कुछ रुकना दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ताकत नहीं कि मैं कलमा पढ़ सकूँ। तो कलमा पढ़ो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने कहा हाँ जी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वालिदा को बुलवाओ और उनसे कहो कि अपने बेटे को माफ कर दो। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी, उन्होंने मेरा बहुत ही दिल दुखाया दिया है, मैं माफ नहीं करूंगी। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लकड़ी जमा करने का हुक्म दिया, लकड़ी जमा करने का हुक्म दिया और इसमें आग लगा दी गई। फिर माँ से पूछा, कहे अगर तुम्हारे इस बेटे को आग में डाल दे तो तुम अपने बेटे को बचाने की सिफारिश करोगी? माँ ने कहा हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा सख्त है, जब तुम्हें इस आग में जलाना गवारा नहीं तो तुम इससे कहीं ज्यादा तक आग में जलाना कैसे गवारा है, लिहाजा तुम अपने बेटे को या तो माफ कर दो वरना हम इसको तुम्हारे सामने जला देते हैं। इस पर माँ ने कहा, रसूल अल्लाह आप उसे गवा रहे हैं, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, उससे राजी हूँ। बाद इसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी सुबह कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कलमा पढ़ा। आपने देखा माँ बाप की नाराजगी औलाद के लिए कितनी खतरनाक है, औलाद अपनी जगह खा रहा कितना इबादत गुजार क्यों ना है, नेक सिहाना क्यों ना है, मगर माँ बाप की नाराजगी औलाद के लिए इतनी खतरनाक की कलमा तक नसीब नहीं होता। आज के नौजवान जब उसको जवानी आती है तो इसके वालिदैन का क्या किया गया, हर बीवी के कहने से उनको घर से बाहर निकाल दिया और दिल दुखाने के लिए बीवी की जबान दराजी को तक आफिस दिया, दुकान और दफ्तर से आकर वालिदैन की जुलम किया, सिपा पहाड़ तोड़े। वालिदैन को अपने कंधों को जोर समझने वाले, खुशरत कोटी के लिए ऐसे समझने वाले, जरा उस अजीज पर गौर करो जिन्होंने अपने वालिदैन के लिए नाफरमानी की, दुनिया ही ना मैंने उन्हें कैसे सजा दी। इसलिए आप करो कि इंशाल्लाह वालिदैन की खिदमत हर हाल में कर ली है, अल्लाह आपको मुझे वालिदैन के अहसास की पाकी पता करना है। आमीन। तो देखा आपने कि इस स्पीच पर क्या बताया गया है कि माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो और मोहब्बत की नजर से देखो। इंशाल्लाह हम सब ये अहद करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे और उनका हमेशा कहना मानेंगे। आमीन। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, पर्दा करती हूँ। पर्दे के ऊपर एक नजम सुनाने जा रही है, अक्सर क्लास नाइन इलेवन सॉरी बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म यहाँ पे अभी जो हमारे इस इदारे की बच्ची ने यहाँ पे अपना हुनर पेश करके आपके सामने यहाँ से गई है। आइए हमारे इस फ्यूचर स्टार एकेडमी की एक नई तालिब इल्म यहाँ आपके बीच में मौजूद है, इंशाल्लाह ये भी आपसे रूबरू हो रही है, तो इनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। आपका हौसला बहुत जरूरी है इनके लिए। अस्सलामुअलैकुम। इन्होंने सलाम किया, थोड़ा आवाज थोड़ा जोरदार बताइए, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी पैदा करूंगे मुस्लिम कौम की बेटी जरूर,
बेटी हो ना पैदा करती हो ना पैदा करती हो अल्लाह रसूल के हुक्मों की अल्लाह रसूल के हुक्मों की ना परवाह करती हो ना परवाह करती हो मेरे रब की दाल पैदा है मेरे नबी की चाहत पैदा है ईमान की हलावत पैदा है तकवा की अलावत पैदा है पैगाम जहां को ये दूंगी पैगाम जहां को ये दूंगी मैं वादा करती हूँ मैं वादा करती हूँ मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पैदा करती हूँ अल्लाह रसूल के हुक्मों की अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ मैं परवाह करती हूँ पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की जीरत है मेरे देह की हिफाजत पैदा है मेरे कल्ब की राहत पैदा है इतना से बड़ा पैदा है कुरान की हिदायत पैदा है जन्नत की खुद को हूरों की जन्नत की खुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ मैं मलका करती हूँ मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ अल्लाह रसूल के हुक्मों की अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ मैं परवाह करती हूँ आगाज गुनाह का निगरेह से होता है एहसास का कब्रों से होता है आवाज गुनाह का नजरों से होता है एहसास सजाओं का कब्रों से होता है जिस्मों की अमानत पैदा है नस्लों की शराफत पैदा है इज्जत की सलामत पैदा है औरत की नजाकत पैदा है अब तक के गुनाहों की अब तक के गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ मैं तौबा करती हूँ मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ अल्लाह रसूल के हुक्मों की अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ मैं परवाह करती हूँ कुफार की आदत है बेधर्म अदा रहना शैतानी बगावत है बेशर्म हया रहना कुफार की आदत है बेधर्म अदा रहना शैतानी बगावत है बेशर्म हया रहना मोमिन की सआदत पैदा है जन्नत की जमानत पैदा है शैतान से अदावत पैदा है रूहानी अशात पैदा है कुफार के हर बेझासों की कुफार के हर बेझासों की मैं चिंता करती हूँ मैं चिंता करती हूँ मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं तलबा करती हूँ अल्लाह रसूल के हुक्मों की अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं तलबा करती हूँ बहुत खूब बहन बहुत खूब माशाल्लाह मैं फ्यूचर स्टार अकेडमी की इस कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह और हमारे दरमियान में फारूक साहब भी मौजूद है हमारे दरमियान में हमारे मवासी साहब भी मौजूद है कुरंग जी हाफिज जी और हमारे दरमियान शायद साहब सीनियर एडवोकेट हमारे अतीकुल्लाह साहब के साथ सीनियर और वो वकील है
मैं उनसे भी खैर मकदम देखो हमारे दरमियान में हमारे मोहम्मद भाई हमारे सारी बिरादरी के और हमारी मैम हमारी बाबू के की मैं उनसे भी बर्खास्त करता हूँ कि हमें खवातीन में आए और तमाम बच्चे की हौसला अफजाई करिए। ये सब लोगों का प्रोग्राम है, ये आपके इलाके का प्रोग्राम है, आपके भागने का प्रोग्राम है, इस फ्यूचर स्टार अकेडमी को कामयाब बनाना है, हम सबका फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम।